आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। पिछले करीब 6 बुधवार से यह क्लास लगातार और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी और आदरणीय अग्रवाल सर हम सभी लोगों को ज्ञान से ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और उस श्रृंखला में आज भी यह क्लास रखी गई है। क्लास हम प्रारंभ करें उसके पूर्व हम चलते हैं शिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के मुख्यालय पे, जहाँ हमारी गोपाल जी और रीता पांडे जी मौजूद हैं और उनको हम आमंत्रित करते हैं आज की क्लास के लिए प्रार्थना के लिए। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम संस्थान की प्रेयर तो करेंगे। इसके लिए हम ओम शब्द के पारायण के लिए सर्वप्रथम अपनी स्पाइन को सीधी रखेंगे और ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे, फिर उसके बाद संस्थान की प्रेयर तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और रीता जी प्रार्थना के लिए।
बोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को। धन्यवाद रीता पांडे जी एवं अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी और मेरे प्रिय साथियों, आपका आभार नमन और साधुवाद कि हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर की असीम शक्ति का अवगाहन करने के लिए हम अपने प्रेरणा स्रोत चरण वंदनी माता प्रसाद खेमका जी और उसी उस असीम शक्ति के का अवगाहन करते हुए आपके साथ हम इस पर चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। Am I audible? You are audible, sir. Visible also, huh? Yes, sir, you are visible also. आप जरा ट्रांसपेरेंसी दिखा दें, डिस्प्ले करवा दें। जी। मित्रों, आज का विषय ये है कि हम लोग यूरिन के माध्यम से और यूरिन के पीएच और कास्ट के माध्यम से हम आज किडनी फेल्योर एआरएफ और सीकेडी एक्यूट और क्रोनिक किडनी फेल्योर की चर्चा करेंगे और मेरा विश्वास है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट तक के जिन्होंने अपनी इस एक्यूप्रेशर की यात्रा प्रारंभ की, किडनी फेल्योर जैसे गंभीर मामले में आप उपचार करने में सफल होंगे, ये मेरा विश्वास। और मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर सुशीला कामत जी का, जिन्होंने पैथोलॉजी बेस्ड डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हमें प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया। मित्रों, हम लोगों ने पीएच और कास्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की कि किडनी की कंडीशन बहुत पहले मालूम हो सकती है और उसके माध्यम से हम बाकी ऑर्गन को भी ठीक रख सकते हैं, क्योंकि किडनी का सीधा संबंध कनेक्टिव टिश्यू से है और कनेक्टिव टिश्यू प्लाज्मा और ब्लड का फिल्ट्रेशन और उसकी सफाई का कार्य और शक्ति वर्धन और शक्ति का संचार करने के लिए किडनी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हृदय, हृदय, लंग्स, स्प्लीन, स्टमक और जितने भी ऑर्गन्स हैं और ब्रेन आदि। तो हमारे पांच ऑर्गन के सेट, लीवर और गॉल ब्लैडर के साथ पांच ऑर्गन के सेट में किडनी कितना महत्वपूर्ण है, हम लोग इसकी चर्चा विस्तार से करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर दो, मित्रों, हमने पिछली बार बैलेंसिंग पॉइंट्स ट्रेटाइज वन के पेज नंबर 10 से आपको बताया था और मैं आज आपको बहुत से ऐसे रहस्य बताऊंगा कि आपको तत्काल विशेषज्ञता के लिए आप केवल लेफ्ट और राइट किडनी जो भी आपकी फेल्योर है उसमें 7 चाइनीज पॉइंट लगाकर टोनिफिकेशन और सेडेशन के माध्यम से बहुत बड़ी बात कर सकते। लेकिन किडनी फेल्योर होने से पहले अगर हम ये कहते हैं कि काफी पहले सिम्टम्स आ जाते हैं, यूरिन का वाटर का इंटेक और महत्वपूर्ण है यूरिन का जो है एक्सक्रीशन और यूरिन का बनना, ये तीन चीजें, लेकिन किस बीमारियों के लिए किडनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किडनी फेल्योर तो एक ऐसी चीज है जो कि सुपर सुपर स्पेशलिटी की बात, लेकिन किडनी का महत्व किन रोगों के लिए आज उसकी भी चर्चा करें। सबसे पहले देखिए किडनी फेल्योर क्या है। आप जानते हैं हमारी दो किडनी है और इसका विस्तार से पढ़ने के लिए मैं आपको चाहूंगा
कि आदरणीय खेमका जी की ट्रेटाइज 13 जो कि पूरा का पूरा किडनी पे पूरी की पूरी बुक है। आप नो योर किडनी, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, और क्या उसकी साइज है, डायमेंशन क्या है, लोकेशंस क्या है, उसका प्रमुख कार्य है, ये सारी चीज अनेक एंगल से उसमें विस्तार से उल्लिखित। अब आप देखें किडनी फेल्योर एक्यूट, पहला उसे एक्यूट रीनल फेल्योर, रीनल का मतलब किडनी का फेल्योर, ऐसे बहुत कम मामले होते हैं। इसको संक्षेप में एब्रिविएशन ERF कहा जाता है। और दूसरी जो कि बड़ा, जिसका नाम सुनते ही CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसे हम क्रोनिक रीनल फेल्योर कहते हैं, ये वास्तव में ऐसी चीज है जो कि डायलिसिस से कंट्रोल नहीं होती, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती, हर किसी व्यक्ति से नहीं होती, इसका ट्रीटमेंट जल्दी संभव नहीं है। डायलिसिस अगर आप करा रहे हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं। और तीसरी बात जो है, ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है। इन सब के बिना आप एक्यूप्रेशर से क्या कर सकते हैं और कैसे ये संभव है या नहीं है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम इसको रहस्य नहीं बनाना चाहते कि अर्ली डायग्नोसिस के बाद सब कुछ संभव है। अगर फेल्योर हो गई है तो उस पे भी हम संभावना को तलाशेंगे, ये आज हम आपके सामने। नेक्स्ट पेज नंबर 3। ये मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास के पूर्व हमारे रिसर्च 10 के जो डेली मीटिंग लोग मिलते हैं, उन्होंने बड़ी गंभीर चर्चा करके सारी विषय, ये PPT प्रोफेसर राम कुमार शर्मा ने, जो कि पर्दे के पीछे अपने गृह जनपद में रहते हुए रिसर्च की कमान संभाल रखी है। तो एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर क्या है, ये देखिए आपको, आपके सामने कॉलम बने हुए हैं, कब और कैसे शुरुआत होती है, पहला कॉलम है ऑनसेट का, दूसरा कॉलम है एक्यूट रीनल फेल्योर किसे कहते हैं, और तीसरा है क्रोनिक रीनल फेल्योर किसे कहते हैं। मित्रों, आप ऑनसेट के नीचे लिखा है कि अगर किडनी फेल्योर हो गई हो, एक्यूट है या क्रोनिक है, तो क्या वापस ठीक हो सकती है? पेशेंट और पेशेंट के घर वाले पहला प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर आगे एक्यूट रीनल फेल्योर क्या है, ये सामान्य रूप से ये बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो सकती है, इसका उत्तर ये लिखा हुआ। और CKD में जो क्रोनिक रीनल फेल्योर है वो क्या चीज है और क्या यूजुअली इररिवर्सिबल, मतलब उसे ठीक किया जाना संभव नहीं है, ये मेडिकल साइंस कहती है। और जो दैवी चिकित्सा है, दैवी का मतलब डिवाइन थेरेपी, जो आपकी एनर्जी शरीर के अंदर है और उसमें इतनी ताकत है परमात्मा ने, जिसको हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या इस अल्टरनेटिव सिस्टम के माध्यम से बिना मेडिसिन के, बिना इंजेक्शन के, बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के क्या कर सकते हैं, ये धीरे धीरे देखने की आवश्यकता है। मित्रों, इसका क्या कारण है एक्यूट रीनल फेल्योर के पीछे, प्री रीनल और पोस्ट रीनल। एक्यूट का मतलब किडनी को नहीं फेल होना था, किडनी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जो फेल्योर की थी, लेकिन उसका कारण जो है मालूम चला कोविड के मामले में लंग्स और सर्कुलेशन का हार्ट पे प्रॉब्लम आई, मालूम चला कि बाद में धीरे धीरे कोविड सेंटर में जो मॉर्बिड केसेस हैं, बहुत दिनों से डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, वहां मालूम चला धीरे धीरे लंग्स में जो स्कार्स है, चेंजेज आए, एक दिन मालूम चलता है कि कुछ दिनों बाद किडनी में, यानी अचानक पेशाब में स्ट्रक्चर हो जाता है, रुक जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, ट्रिटनिन और GFR का टेस्ट होता है, डॉक्टर्स का कहना है कि मल्टी ऑर्गन के साथ किडनी भी ये कंडीशन एक्यूट फेल्योर कर लेती है।
आप किसी हॉस्पिटल में लीवर सिरोसिस के लिए हुए या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की मॉनिटरिंग के लिए एडमिट हुए या कोविड के लिए, लेकिन वहां जांच करते करते 10-15 दिन में मालूम चला कि अचानक पेशाब रुक गया, या हार्ट डिजीज में आप एडमिट हुए तो इसे कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। अगर वो जो कॉज जिसके कारण आप एडमिट हुए हैं अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो निश्चित रूप से किडनी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ सकती है। ये इसका रिप्लाई हुआ। दूसरा है कि सीकेडी का क्या कारण है। सीकेडी का कारण सीकेडी है, या तो किडनी की साइज कम हो गई या उसकी धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो गई, आपको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? मालूम चला कि हमने किसी दूसरे कॉज से ब्लड टेस्ट कराया या अल्ट्रासाउंड कराया या सीटी स्कैन कराया, मालूम चला वहां किडनी में प्रॉब्लम आई है, तब जांच शुरू होता है कि भाई किडनी की प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। सब लोग बोलते हैं किडनी की प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। क्यों? हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी थेरेपी का कोई वजूद नहीं लोग मानते हैं, लेकिन हमारे अनुभव का और जो पेशेंट ठीक हुए हैं और जिसको आप आगे से ठीक करने जा रहे हैं, क्योंकि अब किडनी एक आम समस्या हो गई, डायबिटीज आम समस्या है तो किडनी उससे कनेक्टेड है, लीवर की प्रॉब्लम और हार्ट की डिजीज आम समस्या है तो किडनी की प्रॉब्लम भी आम समस्या होती जा रही है। तो डरना नहीं और समस्या से भागना नहीं, यही किडनी का संदेश। अब आइए देखिए किडनी को कैसे जाने कि एक्यूट कंडीशन में क्या होता है। ओलिग्यूरिया एंड एन्यूरिया, अचानक पेशाब में रुकावट आ जाती है और सूजन आने लगती है, ये एक्यूट रीनल फेल्योर का सिम्टम है। और सीकेडी का क्या है? सीकेडी के हम कास्ट के बारे में बहुत सी बात कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पूरा यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो पाता किडनी की, और पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है धीरे धीरे फेल्योर की तरफ होता है। तो पेशाब बार बार क्यों जाना पड़ता है? कि कुछ उसमें ब्लैडर में रह जाता है और ऐसा प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है ताकि किडनी यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली हो सके, और ये किडनी की डिजीज के लिए एक फ्रीक्वेंसी का अधिक होना, पेशाब का रुक जाना, थोड़ा थोड़ा पेशाब होना और कालांतर में ड्रिबलिंग होना, धीरे धीरे पेशाब अब गए फिर दोबारा फिर जाना पड़ता है, तिबारा जाना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशन हम लोग ने जो बात की थी 24 घंटे में 5-6 बार होनी चाहिए। जब ये संख्या बढ़ती जाती है तो ये संदेश सुसंकेत आने लगते हैं कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद द किडनीज। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम लोग बहुत सी चर्चा कर चुके हैं, हाई और लो एंड फिक्स्ड। हाई होता है तो एक्यूट कंडीशन होती है, और जब लो पीएच होने लगता है और फिक्स्ड हो जाता है तो किडनी के क्रोनिक फेल्योर का ये सिम्टम है। अब देखिए पास्ट हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज। एक्यूट में हमने बताया पास्ट हिस्ट्री किडनी की नहीं है, हार्ट की हो सकती है, हाइपरटेंशन की हो सकती है, शुगर की हो सकती है, और तमाम ब्लड की डिजीज की हो सकती है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है एक्यूट किडनी फेल्योर के लिए, लेकिन किडनी की कंडीशंस वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये एब्सेंट का मतलब ये है, और किडनी की फेल्योर में जो क्रोनिक फेल्योर है उसमें किडनी का अंशदारी भागीदारी किडनी फेल्योर में किडनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये मेरे ख्याल से आपको बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि व्हाट डज इट मीन बाय। नेक्स्ट डायलिसिस क्या है? डिजीज के बारे में अगर ये कंफर्म हो गई कि एक्यूट है और क्रोनिक है तो कुछ दिनों तक, जैसे हमने बताया कि कोविड सेंटर्स में हार्ट के उसमें अगर आपको एक्यूट कंडीशन कॉज कहीं और है, आप एडमिट किए गए हैं, तो कुछ दिन शॉर्ट पीरियड के लिए डायलिसिस करके
और किडनी को रिस्टोर किया जा सकता है. दैट इज नोन एज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द किडनी फेल्योर. लेकिन जहां पर बार बार और कभी हफ्ते में एक बार, कभी दो बार, कभी तीन बार, ये रिपीटेड प्रोसेस हो और ये एक ऐसी इवेंट है जो कि मेडिसिन बेस्ड नहीं है, ये एक तरीके की सर्जरी और हफ्ते में तीन दिन कराना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ में और पूरे परिवार पे कितना विपरीत असर और कितना किस प्रकार का भार पड़ता है. ये चिंतन का विषय, चिंता का विषय मैं नहीं कह रहा. किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत एक्यूट में नहीं होती है और सीकेडी में और कोई चीज काम नहीं करती, ऐसा मेडिकल साइंस का मानना है. नेक्स्ट. मित्रों, फिर आप देखिए कि इसमें भी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज, क्या कारण है, कैसे आप पहचानेंगे, क्या सिम्टम्स हैं. और डॉक्टर्स जब कहते हैं कि हाइपरटेंशन, बीपी को बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखिए, कंट्रोल रखिए, अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, शुगर अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, ताकि वो आपके मल्टी ऑर्गन, खासतौर से किडनी जो महत्वपूर्ण एक ऑर्गन सिस्टम है, वो इन्वॉल्व ना हो सके. तो पहला है एक्यूट किडनी की इंजरी में या फेल्योर में हमेशा क्या होता है, सडन मामला सामने आता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है. नेक्रोसिस का मतलब यह है, आप जानते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन, किडनी को काम करने के लिए तीन चीजें चाहिए हर ऑर्गन को लिए. आपको याद होगा, शेयर विद मी, कि पहले उस ऑर्गन सिस्टम को उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जन्म के समय किडनी का कोई हिस्सा गड़बड़ हो या किडनी के साइज, कंडीशन, शेप और बनावट खराब हो तो वो कंजेनाइटल हो जाती, ये एक महत्वपूर्ण कारण. दूसरा, उसकी पावर सप्लाई का मतलब, जो उसके अंदर किडनी को काम करने के लिए ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यह प्लेक्सस से जो पावर सप्लाई है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल नर्व से, वेगस नर्व के रेमिफिकेशन से, उसको भी हम चेक करते हैं कि पावर सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं है. और तीसरी बात जो है कि उस किडनी को काम करने के लिए फ्यूल मिल रहा है कि नहीं, जिसे हम भोजन, न्यूट्रिशन कहते हैं, और वो मिलता है आर्टेरियल सप्लाई से. आर्टेरियल सप्लाई का मतलब होता है कि जो सर्कुलेशन सिस्टम है, जो हार्ट और लंग्स के माध्यम से प्योर ब्लड किडनी को भी देते हैं, और इसलिए देते हैं कि किडनी ठीक से काम करे, उसको फ्यूल मिले. तो हर ऑर्गन के लिए तीन कंडीशंस हैं, और जब ये तीन कंडीशन पूरी होती हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि किडनी के ठीक से वर्क करने में सर्कुलेशन सिस्टम का भी हाथ है, यानी लंग्स और हार्ट का भी काम है, और स्पाइन और ब्रेन का भी निश्चित रूप से रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और किडनी का तीसरा अपना रोल है. दिस इज नोन एज द ट्राइपॉडिक विजन ऑफ द आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ एनी सिस्टम लाइफ प्रोसेस. ठीक. अब हमारे सामने एक समस्या हुई कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की, जो आप जानते हैं कि हर ऑर्गन को ट्राइपॉडिक न्यूट्रिशन सप्लाई बाय द आर्टरीज, आर्टियोल्स और उसके छोटे अंश को कैपिलरी के द्वारा होता है. इसका मतलब किडनी का जो नेफ्रॉन है और उसके छोटे पार्ट भी ट्यूबुल्स हैं, उसकी सप्लाई आर्टरी से पूरी पूरी किडनी की सप्लाई रीनल आर्टरी कहलाती है, और उसके छोटे भागों को आर्टियोल के द्वारा सप्लाई होती है, और उससे छोटे कैपिलरीज के माध्यम से होता है जो ट्यूबुल. अगर ट्यूबुल पे, ट्यूबुल्स में नेक्रोसिस हो गया और वहां सप्लाई नहीं हुआ, तो दिस इज वन ऑफ दी अचानक ये किडनी एक्यूट फेल्योर, अचानक दिस इज द सडन
कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर का पाइप कंजस्टेड हो गया, प्लम्बर को बुलाते हैं और जब तक कि मालूम चला कि वाटर लाइन सप्लाई नहीं हो रही है या दूसरी सप्लाई जो है हमारी वाटर वर्क से ही सप्लाई डिस्टर्बेड हो गई है, तो ये कंडीशन एक्यूट कहलाती है जो कि ठीक कराई जा सकती है, चाहे प्लम्बर से करें चाहे हम वाटर वर्क को शिकायत भेज के उनसे रिक्वेस्ट करके करा सकते हैं। ऐसी न्यूक्रियस नेक्रोसिस का मतलब सप्लाई वो ब्लड की सप्लाई टू द किडनी टू द ट्यूबल्स इज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब अवरोध उत्पन्न हो गया एंड दैट इज द सडन फीचर एंड इम्पोर्टेंट फॉर द एक्यूट किडनी फेलियर। आपको ये सब बताने के बाद अंत में हम आपको इतने सिंपल पॉइंट बताएंगे कि आप सोचेंगे कि इतने कठिन विषय को इतना आसान, यही तो परमात्मा की शक्ति है जो सबको सबके हाथ में है सबके साथ है और हमारा जीवन पर्यंत स्वस्थ रहने का अधिकार हमें स्वयं मिला है और आत्मनिर्भर रहने का हमें अधिकार है। दूसरा काज है प्री रीनल डिजीज हाइपोवोलेमिक स्टेट्स हाइपोटेंशन यूटीआई और ऑब्स्ट्रक्शन प्रोस्टेट डिजीज मेटास्टेटिक कैंसर। अब इसका समझने की कोशिश कीजिए कि प्री रीनल डिजीज का मतलब है किडनी फेल्योर हो तो उसके पहले किडनी में कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं। हाइपरटेंशन नहीं हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर कम रह रहा है, ये भी ठीक नहीं। लोग खुश होते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से ज्यादा डरते हैं, लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही खतरनाक है और ये डैमेज करता है और एक्यूट कंडीशन को। और यूरिनरी ट्रैक में जो किडनी का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है जहां से यूरिन होल के माध्यम से कनेक्टिविटी है यूरेथ्रा और किडनी से यूरेटर की और यूरेटर से एक बड़ी सी थैली होती है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और वहां से यूरेथ्रा है और जो यूरिन होल के माध्यम से एक्सक्रीट होता है। अगर ये एक्सक्रीट ना हो, एक्सक्रीशन का काम यूवी करता है और फिल्ट्रेशन का, किडनी क्या है हमारे घर में चाय बनाते हैं तो सारी चीजें जो है उसके अंदर चीजें पड़ी उसे छानने का काम चाय की छन्नी करती है, लेकिन आजकल ट्रिपल लेयर्ड चाय की छन्नी बनने लगी, वही किडनी है, ट्रिपल लेयर्ड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहलाता है कि हमारे ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिन्स और प्लाज्मा में कोई टॉक्सिन्स ना आ पाए ताकि जो है पूरे शरीर को हर ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई चेतना के रूप में ठीक से मिल सके। तो मित्रों नेक्स्ट बात क्या है कि हमारे ये ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो और इसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना तो यूरेटर में हो, अगर स्टोन है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अगर यूटीआई है यूरिनरी ब्लैडर और स्ट्रैक में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है तो भी ये ऑब्स्ट्रक्शन, दीज आर दी प्री रीनल डिजीज। अगर ये बहुत दिनों तक चलता रहेगा तो किडनी के जो पैरामीटर्स है जिनसे एक्यूट किडनी फेल्योर इंगित हो सकती है वो सामने आने लगेंगे, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम यूटीआई को दूर करें, इन्फेक्शन को दूर करें, हमने आपको जो कैप्सूल कोर्स में है, अगर फीवर है किडनी के एल्ब्यूमिन जा रहा है या इन्फेक्शन है डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है या आपको हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, उन सबके पॉइंट ईएसआर है इन सबके साथ दिया था, या शुगर है तो ऐसी दशा में ये सारी चीजें कवर होती है। अब क्रोनिक कंडीशन में क्या है, देखिए इनकी क्रोनिक कंडीशंस क्या है कि महीनों और इयर्स पता हो जाता है कि धीरे धीरे किडनी की वर्किंग इफिशिएंसी कमजोर होती जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता। कास्ट और स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह बड़े सिंपल टेस्ट से और हम वाटर के इनटेक और यूरिन के बनने और डिस्चार्ज होने की इस कंडीशंस को हमने पिछली क्लास में आपके सामने रखा था और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी कि बड़ा सिंपल टेस्ट है।
लेकिन यहाँ पर क्रोनिक किडनी डिजीज मालूम चला कि हमें दो साल एक महीने पहले मालूम चला कि सीकेडी हो गया, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई। अरे आप कहते हैं हमें तो गुस्सा ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो मालूम था कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ये तो मालूम था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटीज आपको बहुत दिनों से है, लोग बोलते हैं 20 साल से, क्या उससे क्या होता है? अरे उससे होता क्यों नहीं है? शुगर कोई आपके हाथ पांव में थोड़ी होती है, ब्लड में होती है, और ब्लड के निर्माण का काम करते हैं सारे ऑर्गन मिलकर करते हैं, और जब फिल्ट्रेशन नहीं होती किडनी को ज्यादा काम करना, आप बताइए कि जब ठीक ठाक काम है तो किडनी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जिस प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन और जो ब्लड के फॉर्मेशन के लिए करना पड़ा है उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। आप जानते हैं कि 1 लीटर प्लाज्मा की और आपको छानने के लिए पूरा का पूरा जो है 1 लीटर पानी के इंटेक को 170 लीटर प्रतिदिन फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, और यदि हमारा ये किडनी इतना काम नहीं करेगी धीरे धीरे, या आपको पॉलीयूरिया है, मालूम आप जानते हैं कि डायबिटीज जब होती है तो जितने हेल्दी सेल्स होते हैं वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो सॉलिड, तो इसीलिए वहां कोई घाव हो गया किसी जगह तो डायबिटिक अल्सर कहलाता है, अगर वहां पर कोई नर्व डैमेज हो गई तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, और आंख में रेटिना अगर अफेक्टेड हो जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी। मित्रों आपको 27th और 28th के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आपको ये लगेगा कि आंख की 25, 30, 50 बीमारियां बताई जा रही, आपको एक बार झुंझलाहट भी होगी कि ऐसी ऐसी बीमारियों का आंख से हम कोई स्पेशलिस्ट तो बनने नहीं जा रहे हैं, हमें कोई आई हॉस्पिटल तो खोलना नहीं। लेकिन मित्रों हजारों और लाखों में जब एक ऐसे रोग का नाम आएगा तो नाम भी जानना चाहिए, उपचार भी जानना चाहिए। जो डायबिटिशियन आंख की बीमारी को नहीं जानता वो रेफर कर देता है ऑप्थेल्मिस्ट को, ऑप्थेल्मिस्ट कह देता है कि रेटिनोपैथी हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। 2-3 सर्जरी करने के बाद तीसरा न्यूरोपैथी अगर है तो नर्वस सिस्टम की डिजीज कनेक्टिविटी होने के कारण, तो न्यूरोसर्जन वो बोलता है आंख का काम मुझसे क्या मतलब, लेकिन हाँ है, ये ट्रीटमेंट कोराइट का भी होगा, आयरिस का भी होगा, स्क्लेरा का भी होगा, आईज के जितने पार्ट्स हैं उसकी मसल्स का भी, आंख में बंद नहीं हो रही है, खुल नहीं रही है, इन सब के लिए आपको ऐसी समस्याएं आएंगी। शुगर तो है ही सबको, अधिकांश लोगों को या तो लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर। आप देखिए समाज का स्ट्रक्चर और गठन कैसा है, महिलाओं को 75% महिलाओं को लो ब्लड प्रेशर है और 75% पुरुषों को हाई ब्लड प्रेशर। अब इसकी चर्चा हम धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन आज का विषय बहुत सरल भी है और अति गंभीर भी है और उपचार के लिए आवश्यक है। हाइपरटेंशन आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि भाई कंट्रोल रखिए शुगर को और हाई ब्लड प्रेशर को, क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी तो हम शुगर से लड़ रहे हैं, हार्ट की डिजीज से लड़ना है, या कोई अन्य कारण है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर है। जिन कारणों को नहीं मालूम है जिंदगी भर दवा खाइए, और ऐसा ना हो कि किडनी कंट्रोल नहीं हुआ तो किडनी। इसे हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर एक कॉज है, शुगर एक कॉज है, और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। हमने बताया कि ट्राइपोडिक स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से लंग्स का छोटा ब्रोंकाई और एल्वियोली है उसी तरीके से किडनी, नेफ्रॉन और ग्लोमेरुला, ग्लोमेरुलस, ये जो है ट्राइपोडिक और ट्यूबुल्स, ये इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन है, कॉज कुछ भी हो,
तो किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। इसका मतलब मैक्रो स्टेज से धीरे धीरे लास्ट माइक्रो स्टेज पे पहुंच रही है, जो कि किडनी के सेल्स अफेक्टेड हो रहे हैं, उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। दूसरी बात क्या है, जैसे हमारे घर में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किसे कहते हैं, ये पॉलीसिस्टिक का मतलब किडनी के अंदर या तो फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड तो होता नहीं। सिस्ट का मतलब जो है, जैसे आपने देखा है खोखले प्लेसेस स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं, कहाँ होंगे वो, ट्राइपोडिक जो स्ट्रक्चर की वॉल है, हमने आपको बताया कि ट्राइपोडिक एक हॉलो ऑर्गन है किडनी, उसमें उसकी वॉल ट्रिपल लेयर्ड वॉल्स होती हैं। अगर उन वॉल के बीच में जगह जगह गड्ढे नुमा हो जाए, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, पॉली का मतलब एक से अधिक, तो वो किडनी की वर्किंग ठीक होगी या खराब, बोलिए। मेरे विचार से वो किडनी की वर्किंग, उसका स्ट्रक्चर खराब होगा और वो फेलियर की तरफ जाएगा। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये आपका ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में, ये आपके फीमेल में भी होता है, ओवरी और जो गोनेट्स हैं उनकी लेयर्स में होता है, यूट्रस में होता है, और मेल में जो है खास तौर से किडनी में होता है। इसी तरीके के कुछ ऐसी सिस्ट मेल के टेस्टिकल्स में होती है, और ये सब एक तरीके से गंभीर रोग की तरफ ले जाते हैं। और ये किडनी सिस्टम से कितने ऑर्गन के पार्ट हैं जो कि अफेक्टेड है, अभी आपको आगे मालूम चलेगा, बताएंगे कि किडनी, हम लोग किडनी की बात कर रहे हैं, लेकिन यूट्रस का ट्रीटमेंट होगा भी तो भी हमें किडनी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर ऑर्काइटिस है यानी टेस्टिकल की प्रॉब्लम है तो भी किडनी का इलाज करना पड़ेगा। और ये बात बताता है, अगर यूटीआई है तो भी किडनी के साथ का ट्रीटमेंट, यूरेटर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है तो भी करना पड़ेगा। अगर कहीं किडनी के अंदर छोटी छोटी गांठें हैं यानी सिस्ट हैं, उसका भी इलाज। और एक नई बात हम आपको बताना जा रहे हैं, फ्रैक्चर्ड किडनी, किडनी की साइज और साइज देख के ऐसे लगेगा जैसे कि किडनी के अंदर फ्रैक्चर हो गया है, ये भी एक गंभीर बात है, लेकिन आपके लिए कोई गंभीर बात नहीं। ये ट्रीटमेंट हम ऐसे ही नहीं, कोई कथा भागवत नहीं बता रहे हैं, ये आपको अंत में बताएंगे कि ट्रीटमेंट संभव है और आप ही करेंगे, विशेषज्ञ के रूप में करेंगे। तो ये नेफ्रोटॉक्सिन एक्सपोजर, पॉलीसिस्टिक नेफ्रोटॉक्सिन एक्सपोजर का मतलब, टॉक्सिन का मतलब जानते हैं कि जो भी हमारे शरीर के या शरीर के अंग के और अंगों के पार्ट को, जैसे किडनी में और किडनी के पार्ट्स को जो टॉक्सिक बनाता है, हमारे शरीर के भोजन में बहुत से ऐसे पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स हम कहें या टॉक्सिन्स हैं, जो कि कहाँ असर करेंगे, हमारे ऑर्गन के सिस्टम के और ऑर्गन के फंक्शन को करेंगे, उसे कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिन। जब वो टॉक्सिन्स जाके किडनी में, किडनी के नेफ्रॉन में फंस जाते हैं और वहां पे सूजन, नेफ्राइटिस और इनिशियल स्टेज पे सिस्टाइटिस और अनेक तरीके से कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो कि क्यूरेबल होती हैं, अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो सीकेडी में कन्वर्ट होने का पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा। डायग्नोसिस में आप सब जानते हैं कि सेरम क्रिएटिनिन, ये आप देखिए डायग्नोसिस में जो मेडिकल एंगल से, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी किडनी फेलियर हो गई, तो सबसे पहले क्रिएटिनिन की जांच होती है, वो कितना होना चाहिए, और इसको दिया हुआ है ये, और एक्यूट केस में आपको दिया हुआ है कितना होना चाहिए,
one of the following increase in serum creatinine by 0.3 बढ़ता जाए हर 48 आवर्स में दो दिन में और क्रिएटिनिन 1.5 टाइम्स हो जाए बेसलाइन से, जिसे हम कहते हैं कि एक्यूट किडनी का फेल्योर है 7 डेज में विद इन दी 7 डेज और यूरिन का वॉल्यूम पॉइंट लेस देन 0.5 पर आवर 6 आवर्स में ये निकलना कम हो जाए। अब देखिए क्रोनिक में क्या कंडीशन है, सीरम क्रिएटिनिन जो है 1.73 से लेस देन वॉल्यूम जो है, जीएफआर क्या है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वो 60, यानी जितना कम होगा वो उतना किडनी फेलियर को इंगित करेगा, 60 से कम होगा। और ये नॉर्मल कंडीशन बताई है और क्रिएटिनिन जितना अधिक होगा, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे केस हैं 60 ईजीएफआर नॉर्मल है उसकी जगह 10 है, तो आप कंडीशन जान सकते हैं कि ऐसे पेशेंट किस हालात में है। और क्रिएटिनिन जिनका 10 से ऊपर है ये आप कल्पना कर सकते हैं 1.73 पे हराकारी मच जाती है, 2 पे हराकारी मच जाती है, 3 पे मच जाती है, जबकि ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ट्रीटमेंट अगर हो तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है तो डॉक्टर तो कहेगा डायलिसिस कराइए, कंटिन्यूड रहता है, डायलिसिस के समय घटा फिर बढ़ गया तो क्या कहेगा, क्या आप ट्रांसप्लांट कराइए, डॉक्टर का क्या दोष है और आपका दोष है कि हम अपने बारे में नहीं जानते। सिम्टम्स क्या आएंगे, या तो पेशाब कम हो जाएगा या लो होगा या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्चर हो जाएगा। हेमिचूरिया मतलब पेशाब में लाली आएगी का मतलब कहीं रक्त कण जो है कहीं ना कहीं ब्लड आ रहा है यूरिन में, उसे हेमिचूरिया कहते हैं। एडिमा आ जाता है, कंफ्यूजन शॉर्टनेस ऑफ सांस फौलना शुरू हो जाता है। आप ये देखिए कि पेशाब कम होना शुरू हुआ तो सांस फूलना शुरू हुआ, ये लंग्स की डिजीज नहीं है, है भी और नहीं भी आगे हम बताएंगे। सिम्टम्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉज थर्स्ट इन द पेशेंट विद द डिहाइड्रेशन, फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन जानते हैं आपको, ये जो आपके साइड में फ्लैंक होते हैं यहाँ पे पेन आए और आपको प्यास, डिहाइड्रेशन हो गया और प्यास लग रही है, फ्लैंक में पेन है और ऑब्स्ट्रक्शन है पेशाब का, पेशाब का ऑब्स्ट्रक्शन है तो फ्लैंक में पेन आएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो पेन आएगा और आपको आगे मालूम चलेगा कि गॉल ब्लैडर का आपने चाइनीज सिस्टम पढ़ा है वो आगे हम आपको बताते हैं। मेनी पेशेंट्स हैव नो सिम्टम, दुर्भाग्य ये है कि एक्यूट फेल्योर होते हुए भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कोविड में भी कुछ को सिम्टम है, कुछ को बहुत ज्यादा है, कुछ को सिम्टोमेटिक है, मतलब है ही नहीं। और सिम्टम्स सीकेडी में क्या है, वीकनेस, बहुत कमजोरी, फैटीग, एनोरेक्सिया माने भूख ना लगना, एडिमा होना, वोमिटिंग और नोजिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और इन सब के साथ देखिए उल्टी हो सकती है, एडिमा हो सकती है, भूख कम, जॉन्डिस में भी होता है, लेकिन और यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, ये किडनी से संबंधित है। बहुत से सिम्टम दूसरी चीज के हैं लेकिन आपके एडिमा नहीं है, यूरिन का आउटपुट प्रॉपर घटा नहीं है तो आप कंफ्यूज रहते हैं, और ऐसी कंडीशन में एसिम्टोमेटिक होते हुए भी सीकेडी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास कौन लोग आते हैं, क्रोनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं क्योंकि डायलिसिस कराते कराते थक जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, दूसरा ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है। दूसरे कैसे लोग आते हैं, उन पेशेंट को जिनको दोज हु डू नॉट नो दैट देयर किडनी हैज फेल्ड, अचानक किसी अन्य बीमारियों के लिए आए और रिपोर्ट हम लोग के सामने रखी, हमारे किसी भी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के जितने भी टीचर्स हैं जितने भी थेरेपिस्ट हैं उनके सामने रखेंगे तो वो हमेशा इसको निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क के सामने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो नेक्स्ट बात आती है कि आफ्टर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन
suddenly shows that the kidney has failed. लोग आके चिल्लाते हैं कि हमने तो जांच, हमें तो बुखार हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि किडनी सीएफटी करा है, एलएफटी करा है, केएफटी करा है, सब मालूम चला कि गड़बड़ है. इन सब केसेस हाँ कॉन्जेनाइटल है और या पोस्टनेटल है, वो भी नहीं पता चल पाता कि किसी की एक किडनी है ही नहीं पता चल पाता. और कभी किसी ने 20 साल तक अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, पहले तो लोग कराते ही नहीं. नेक्स्ट पेज नंबर 6, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द किडनी डिजीज. आप सॉल्यूशन में ट्रेटाइज वन, जो कि हमारी करेस्पोंडेंस हो या कैंपस कोर्स का पेज नंबर 10, जिसका हमने आपको पिछली बार बताया था, आज हम आपको फिर से बताएंगे. एक्यूट केस हो या क्रोनिक, बैलेंसिंग पॉइंट बताया था. अगर आपका फीडबैक मिले हमें कि आपने जो है आज तक किसी पेशेंट को इन बैलेंसिंग पॉइंट के माध्यम से स्टार मैग्नेट या मेथी लगा, क्योंकि आपको खुद ही विश्वास नहीं होता, पेशेंट तो आपके पास आएगा नहीं, लेकिन पेशेंट आते हैं क्योंकि कुछ के लोग डायलिसिस नहीं कराना चाहते, कुछ लोगों को इसका ट्रांसप्लांट का सुविधा अवेलेबल नहीं होती और कुछ लोग के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, विकल्प नहीं होता, तो वैकल्पिक चिकित्सा ढूंढते ढूंढते और आपके संस्था की जो 25 वर्षों में ख्याति है, आप लोगों ने जो मेहनत की है उसके कारण आते हैं. टोनिफिकेशन पॉइंट क्यों होती है, क्रोनिक डिजीज सीकेडी. आज हम आपको रहस्य बताने जा रहे हैं, ये तीन कॉलम है, एक में बैलेंसिंग है, एक में टोनिफिकेशन और एक में सेडेशन पॉइंट्स है. तो किस मामले में हम बैलेंसिंग, तो आप चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, ईआरएफ हो या सीकेडी, इसको आप जो है मेथी या, लेकिन टोनिफिकेशन यानी पीले और सफेद मैग्नेट नहीं लगा सकते, उनकी संख्या ज्यादा है, प्रभाव धीरे धीरे होता है. और हमारा पहला केस किडनी फेलियर का, उसका हम किस्सा बताएंगे, पहले हम पूरी ट्रांसपेरेंसी पूरी कर लें. और तीसरा है कि सेडेशन, जो किसमें सेडेशन करेंगे, एक्यूट डिजीज में, और जो सडन फेलियर हुआ है जो मल्टी ऑर्गन की वजह से, वो डिफिशियंट पैटर्न भी होता है और एक्सेस पैटर्न भी होता है, यही सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, बहुत बड़ी सावधानी. हम तो बार बार आपको कहेंगे कि आप अपना इन्फ्लुएंस लेके या पॉइंट लगा के अगर किडनी को टोनिफिकेशन के पॉइंट से असहज हो रहा या सेडेशन का, तो आप बेहतर होगा कि मेथी लगाएं, बेहतर होगा कि उस पे केवल कलर भी ना लगाएं, मेथी लगाएं या स्टार मैग्नेट सेफेस्ट है. लेकिन अगर आपको इतना इत्मीनान है और आप आज की बात को ठीक से समझ जाएंगे, तो जो जिन्होंने जिनके पास ट्रेटाइज वन है और पेशेंट कहता है मरे या जिए, आप उनको पॉइंट लगाएंगे टोनिफिकेशन का. क्यों? क्योंकि दसियों साल से किडनी की प्रॉब्लम है, उनका ईजीएफआर 60 की जगह 10 है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और ट्रीटमेंट जो है 1.5 की जगह 10.5 है, और हीमोग्लोबिन 6 या 7 है, चल नहीं सकते, सांस फूल रहा है, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया सब बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, चारों तरफ दर्द ही दर्द है, सूजन है, ना खा सकते हैं, सारी चीज रोक दी गई है, शुगर अलग से है, हाइपरटेंशन अलग है, और तमाम चीजें हैं. तो मित्रों, क्रोनिक फेलियर इज एक्सेस पैटर्न ऑल्सो, और फर्स्ट अप्लाई मेथी फर्स्ट एंड. और अब आइए आपको पेज नंबर 8 में, जहां पे की किडनी के तीनों मॉड्यूल्स दिए गए हैं. पिछले बार हमने आपको दिया था बैलेंसिंग पॉइंट, और अब आप कहेंगे कि हमें तो सिर्फ क्या पेशाब और पानी के इंटेक से ही सारी चीज जानेंगे. किडनी 10 साल आप कहते हैं पहले से प्रॉब्लम है, तो बैलेंसिंग पॉइंट कैसे होंगे
ये मैं आपको बता दूं, आप लोग कहां से इसको जानेंगे, सीएम इन नियम एक किताब है, बड़ी सिंपल है, वो ऑल इन वन है, जिसमें चाइनीज सबसे पहले हमारी इंटीग्रेटिव थेरेपी में चाइनीज सिस्टम जाने, तो बैलेंसिंग करने के लिए जो पॉइंट दिए हुए हैं तीन है, पहले बैलेंसिंग है आप देखें, दूसरा चार्ट में टोनिफिकेशन के पॉइंट है, और तीसरा है ये चार्ट दिखा दें आप क्योंकि समय का अभाव, हाँ चार्ट देखिए पेज नंबर एट पे, एट पे टॉप पे किडनी के बैलेंसिंग और सिडेशन और टोनिफिकेशन के पॉइंट। बैलेंसिंग में K1 दोनों साइड में K1, K3, K6, K7, SP3, SP6, SP7, SP9, GB28, UB23, UB24, UB62 एंड 63। अब आप देखिए इसके अंदर किडनी को आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि CKD है कि ARF है, एक्यूट है कि वो एक्यूट होगा तो एक दस हफ्ते में, एक दो हफ्ते में ही ये बैलेंसिंग पॉइंट से आराम मिल जाएगा। और एक्यूट में भी किडनी की आपकी प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से, वो सिम्टम्स हम बताएंगे सीएम इन नियम में। एक्यूट और क्रोनिक के लिए गाइडिंग सिम्टम है कि जब चेहरे पे, फेस पे विशेष रूप से धीरे धीरे कालापन आ, आप बच्चों को देखते होंगे कि नेल बाइटिंग करते हैं, हमेशा अपने नाखूनों को चबाते रहते हैं, आपने बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा, और काफी साल तक करते करते ये सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम है किडनी के खराब होने का और डीजेनरेट करने का। मैंने फेल्योर की बात नहीं की अभी, ये पेज नंबर 65 है सीएम नियम में, 64 से शुरू होता है 65 में। तीसरा है जिनको बिना बात डर लगता है, चौथा है हमेशा थूकने का मन करता रहता है, जहां देखिए पिट्टे से थूक दिया, ना पान खा रहे हैं ना पान पराग खा रहे हैं और मालूम चला थूकते रहते हैं, बात करेंगे थूक देंगे, कभी कभी अगर अगल बगल कोई खड़ा है उसी के ऊपर भी थूक हो जाता है, और डिजायर टू स्पिट। और आपको कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी भी होटल में रूम फ्रेशनर का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे जाइए तो जैसे किसी बदबू एक ऐसी आती है जो सड़न सी होती है, जिसे प्यूट्रिड स्मेल कहते हैं, वो होटल वाली सड़न आपके शरीर रूपी होटल में भी जब आने लगे तो समझिए समथिंग इज रॉन्ग विद द किडनी टीम। और हमेशा जो है उबासी आती रहे, ये सारे बहुत से ऐसे लक्षण हैं। आपको यूरिन का वो मेजरमेंट नहीं मालूम कैसे क्या करना है, आपने कभी जांच नहीं कराई, लेकिन ये सिम्टम बताता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। और एक सबसे बड़ा है कि हमेशा हर बात को लेके पीछे भाग जाना, स्केप करना, किसी समस्या से फाइट ना करके फ्लाइट कर देना, ये भी। और जनरल सिम्टम क्या है, अर्थराइटिस और पेनफुल ज्वाइंट्स का होना, एंकल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंकल ज्वाइंट का सूजन होना, और दूसरा है कि किसी को सेक्सुअल इम्बेलेंस होना, या तो एक्सेस हो या मेल फीमेल में, हस्बैंड वाइफ में एक का मन ही ना करे और एक का ज्यादा करे, इम्बेलेंस कहलाता है, और ये भी जनरल सिम्टम है। हाई ब्लड प्रेशर, फ्रीक्वेंट यॉनिंग, नर्वसनेस, किडनी स्टोन होना, हेयर लॉस, डैंड्रफ, नेल बाइटिंग, नी प्रॉब्लम, ब्लैकेस्ट कॉम्प्लेक्शन, और हाइपर सिम्टम्स क्या होते हैं जो जिसे कहते हैं सेडेट करना पड़ता है, उसमें भी अर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, पेनफुल स्वेलिंग होती है, और दिन भर मन जो है मतलब फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर की तरफ आकर्षित होके प्री ऑक्यूपाइड बाई दी सेक्स, बॉडी स्मेल का जो है प्यूट्रिड होना, इम्पेशेंस, नर्वसनेस, रेस्टलेस होना, और संकल्प का अभाव होना, कान पूरी तरीके से ठीक से ना सुनना, कान में घंटियां बजना, टेनाइटिस, ये एक कारण है। मैंने ये नहीं कहा कि किडनी होगा, ये
there are few guiding symptoms for the hyperactivity which requires the sedation and a stiff back, क्योंकि किडनी का संबंध जो है उसका यूरिनरी ब्लैडर है और चाइनीज में आप जानते हैं पूरा बैक से लेके पूरे हाथ पैर जितने भी जोड़ हैं सबसे बड़ी मेरिडियन यूवी की है और हर जोड़ में जाती है हिप जॉइंट में नी जॉइंट के बैक में जाती है पैरों में जाती है एंकल में जाती है और किडनी और उन दोनों की पेयर्ड और अंडर एक्टिव के सिम्टम्स देख लीजिए सॉफ्ट स्पीच बैड मेमोरी सेक्सुअल इम्पोर्टेंस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन पेशाब पे कंट्रोल नियंत्रण ना होना और रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होना लोअर्ड रेजिस्टेंस पावर आपके इम्यून सिस्टम कमजोर होना ज्वाइंट्स की बीमारी और पेट में एबिडोमिनल फुलनेस लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर पेसिमिस्टिक निराशावादी होना दृष्टिकोण lack of patience, nervousness, anxiety, restlessness और बार बार पेशाब के लिए टॉयलेट यूज करने जाना और नील में क्रैक पड़ जाना और बैठे बैठे प्रोननेस बोन में कमजोर होने के कारण फ्रैक्चर की टेंडेंसी डेवलप होना ये सब वो लक्षण है अब आइए हम आपको टोनिफिकेशन पॉइंट की चर्चा करते हैं पेज नंबर 8 में K3 और K7, K9, LU5, LU9, UV13 और UV23. जब सेडेशन टोनिफिकेशन कब करना पड़ता है जब किडनी की एफिशिएंसी कमजोर हो जाती है CKD कब होता है जबकि क्रिएटिनिन बढ़ा होता है और EGFR घटा होता है यूरिया भी बढ़ा होता है और बन भी बढ़ा होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसका मतलब जो है कि जब टॉक्सिन्स प्लाज्मा के और ब्लड के पार्ट बन जाते हैं तो शरीर में कहीं ना कहीं सूजन इंफ्लेमेशन जोड़ों में दर्द आदि शुरू हो जाता है और ये CKD हम तब तक जब इन कारणों को CKD इंप्रूव नहीं करेगी तब तक अर्थराइटिस नहीं ठीक हो सकती आप भले ही जॉइंट का नी का रिप्लेसमेंट करा लें एंकल को कुछ भी करा लें ये प्रीसीडिंग कंडीशंस हैं इनिशियल लेवल पे अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है सेक्स की प्रॉब्लम है फ्रिजिडिटी की है और पति पत्नी में मुटाव है मनमुटाव है या आप देखेंगे कि जो सड़कों पे खराब केसेस हो रहे हैं और उन सब के पीछे भी तो आप इसकी मीमांसा कीजिए K3 और K7 और K9 कौन है आप जानते हैं कि K3 ये सोर्स पॉइंट है किडनी का और K7 क्या है ये मदर पॉइंट है किडनी का जो है कोल्डनेस और वाटर जो है एलिमेंट है उसका प्रीसीडिंग जो एलिमेंट है मेटल है जिसका कि सोर्स पॉइंट LU9 है लंग्स है LU9 देखिए और LU5 क्या है उसका कोल्डनेस पॉइंट है तो ये जो चार पॉइंट हैं लंग्स के दो पॉइंट LU5 और LU9 ये इस बात को बताता है कि मदर पॉइंट का सारी किडनी का मदर जो यानी लंग्स है और आप देखें चाइनीज सिस्टम में किडनी और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम फ्रेम जो है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स का है और 5 से 7 स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का है उसी अपोजिट रिवर्स पीरियड में 3 से 5 यूबी का है और 5 से 7 किडनी का है सी दी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन क्योंकि लंग्स जो है किडनी की मदर है तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड और एल्कलाइन इसका जो है संबंध ठीक ठाक होगा तो किडनी जो कि किडनी की मदर ऑर्गन मेटल है एलिमेंट मेटल है मदर ऑर्गन लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन उस सिस्टम का तो मित्रों LU5 और LU9 इसलिए है UV13 क्या है बैक शू पॉइंट है लंग्स का मदर ऑर्गन का बैक शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट किडनी का UV23 है K3 किडनी का सोर्स पॉइंट है K7 आप बताइए
किस टिश्यू पे काम करता है किडनी। बिल्कुल सही बात सोच रहे हैं कि ब्लड पे, और K7 किसका है, ब्लड का पॉइंट है। और ये डॉक्टर वॉल से लेके सभी जगह ये सिद्ध है कि ब्लड के लिए K7 ब्लड में टॉक्सिनेटेड है, चाहे वो किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स हो, वो K7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो K3 K7 और UV13 और UV23, ये 7 पॉइंट्स हैं टोटल मिला के लेफ्ट राइट में। आप इसको एफिशिएंसी को टोनिफाई करने के लिए ये वाइट, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि किडनी के पेशेंट हो या किसी पेशेंट को, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो, जो आके कहें कि हम मरे या जिए, या आप इन्फ्रेंस निकालना, मैग्नेट रखा कैम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और सातों पॉइंट पे आपने मैग्नेट रखे, तो जैसे कि किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा हो, मैग्नेट लगते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखने लगे, ये पहला सिम्टम, और उलझन बेचैनी करके घबराहट दिखने लगे, तो आप मेथी लगाइए, वो ज्यादा बेहतर। अब आइए, सेडेशन यानी किडनी फेलियर का दूसरा कारण है एक्यूट किडनी फेलियर। इसमें तीन पॉइंट है, K1, liver 1 और spleen 1। आप बताइए कौन से एलिमेंट पॉइंट है। ये तीनों के तीन जिंग्वल पॉइंट है, विंड पॉइंट्स। मित्रों, ये जिंग्वल और विंड पॉइंट क्या होता है? इन ऑर्गन के ये विंड पॉइंट क्या है, क्योंकि कभी भी जब भी कोई कंडीशन एक्यूट होगी तो सबसे पहला जो है ओरिजिन अफेक्टेड होती है, वो होती है विंड पॉइंट की। और विंड पॉइंट का मतलब K1, ये हुआ किडनी का, और किडनी को कंट्रोल करने वाला स्प्लीन है SP1, और किडनी को लीवर वन, K1 और SP1, ये तीनों जिंग्वल पॉइंट है। एलिमेंट आपके कौन सा एलिमेंट है, निश्चित रूप से वुड एलिमेंट है। अब उसके बाद देखिए लीवर 3 और K3, ये दोनों लीवर और किडनी के। अब आप देखिए किडनी का लीवर से क्या संबंध है, किडनी हम टारगेट ऑर्गन किडनी है, उसके बाद का जो है लीवर है, तो सन पॉइंट वन। तो हमने पहले जो है K1 लिया, तो उसका सन पॉइंट लीवर 1 लिया। SP1 क्या है, ये कंट्रोल साइकिल में किडनी का कंट्रोलर है। तो K1 SP1 K1 लीवर 1, लीवर 1 किडनी का सन पॉइंट है, K3 सोर्स पॉइंट है, और लीवर 3 किडनी के सोर्स, किडनी का सन पॉइंट का, लीवर का सोर्स पॉइंट। और अब देखिए UV18 क्या है, UV23, UV18 लीवर का सोर्स पॉइंट है, बैकशू पॉइंट है, और UV23 किडनी का बैकशू पॉइंट है। इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है, दोनों में सेडेशन और टोनिफिकेशन के पॉइंट में 7-7 पॉइंट है, कुछ भी ज्यादा नहीं। तो मित्रों, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और आपने ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर की यात्रा हमारे संस्थान से प्रारंभ करने पे, ना तो हम पहले वॉल को पढ़ाते हैं, ना सुजोग पढ़ाते हैं, और ना ही आयुर्वेद पढ़ाते हैं, सबसे पहले चाइनी। और आज जो मैंने बताया है, सेमेस्टर 1 से लेके 6 तक, चाहे करस्पॉन्डेंस का हो और चाहे कैंपस कोर्स का, ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कितने गंभीर बीमारी का इलाज टोनिफिकेशन सेडेशन 7-7 पॉइंट से दोनों तरफ, और नहीं तो बैलेंसिंग के लगभग 17 पॉइंट्स पे मेथी और
स्टार मैग्नेट लगा के सेफली आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कितनी बीमारियों का इलाज होगा, हमने कहा कि अर्थराइटिस का होगा, आपके कैरेक्टर बिल्डिंग का होगा, आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम का। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि किडनी की मेरिडियन जो है वो गोनेड्स और मल द्वार के मध्य से होके जाती है, ये सिद्ध किया है डॉक्टर वॉल जो कि बहुत बड़े एलोपैथ थे और साइंटिस्ट थे। तो अगर हेमराइड है, एनएस की यानी मल द्वार की कोई भी प्रॉब्लम है, तो K3, K4, K5, 6 उस पे आप स्टार मैग्नेट नहीं मेथी लगाइए, चाहे फिस्टुला भगंदर हो, चाहे पाइल्स की बीमारी हो, और चाहे ब्लीडिंग पाइल्स हो, या किसी भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो, या एनल कैनाल हो। संबंध क्या है, किडनी का पीरियड है 5 से 7 शाम को, और लार्ज इंटेस्टाइन का भाग एनस और एनल कैनाल है, रेक्टम है, पूरी की पूरी नलिका है। तो आप देखिए कि दोनों का पीरियड मैच क्या, व्हाट इज द फाइन रिलेशनशिप बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनी। द लेटेस्ट स्टडी है जिनकी किडनी दोनों काम नहीं कर रही है, तो उनको बड़ी आंतों का, जब हम लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सी बातें करेंगे, आपका विजन क्लियर होता जाएगा, आप बहुत सी चीजों को जानेंगे, और आपको ये लगेगा कि आपने तो सुपर स्पेशलिटी सारी चीजें आई हैं। मित्रों, और बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, बुद्ध की क्लास एक सुपर स्पेशलिटी नहीं बल्कि रिसर्च मॉडल है, मॉड्यूल है, और आप सब अपने मित्रों को जो लोग बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सबको भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता समाज का सबसे बड़ी सेवा है, देश की सेवा है, घर परिवार की है, और सबसे बड़ी बात है अपनी सेवा है। हमें दवा कम से कम खाना पड़े, खाना खा सकें, खा के पचा सकें, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो इसको आप, और किडनी, हीमोग्लोबिन के पॉइंट्स आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आपने पैथोलॉजी बेस्ड जो डायग्नोसिस के मॉड्यूल्स दिए थे उसमें ESR का भी था, आपको बोथ मिडिल फिंगर के कफ जॉइंट पे भी था, इंडेक्स फिंगर पे भी था, हीमोग्लोबिन का भी था, उसकी PPT आपको मिल चुकी है, मैं बार बार उसे। अब आपको एक अगर 5 मिनट का, आप 2 मिनट का हमें समय दे दें तो हम पेज नंबर 10 आपको दिखाना चाहते हैं। CME नियम में के अनुसार जो है, किस महीने में आपका बर्थडे, आपका हॉरोस्कोप बनेगा एनर्जी हॉरोस्कोप, आपकी बॉडी का जो है कंट्रोलर कौन है, एनर्जी कंट्रोलर है ना, तो ये शरीर चेतना को कंट्रोल करता है, बल्कि चेतना और शरीर मिलकर चेतन पुरुष के रूप में है। हम आगे आपको ये बताएंगे कि आप परमात्मा भी है, आत्मा भी है, और पुरुष भी है। पुरुष का मतलब चेतन जगत के स्त्री पुरुष से लेकर प्लांट लाइफ से, यह बात आपको बहुत चुभ रही होगी। संकेत और संदेश के बारे में, पूरे विश्व का परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन है जो पूरे संसार को कंट्रोल करता है, इस पे सोचिएगा, जिसको हम लोग अलग अलग नामों से, लेकिन परमात्मा एक शब्द है, उसका एक अंश हमारे शरीर में है जिसको हम एनर्जी सिस्टम या आत्मा कहते हैं, और तीसरा है वो आत्मा रहने के लिए, जैसे पूरे कॉस्मोस में नियंत्रण नियंता जो है आपकी एनर्जी सिस्टम जिसे हम परमात्मा, उसका सूक्ष्म अंश, एक अंश हमारे शरीर में जिसे हम एनर्जी सिस्टम या आत्मा कहते हैं, हमारे शरीर में रहता है। जिस दिन वो अंश निकल जाता है तो शरीर अचेतन हो जाता है, फोटो फ्रेम में हो जाते हैं, और उस शरीर को जल्दी से ले जाके आग के हवाले सुपुर्द कर दिया जाता है और सुपुर्द खाक हो जाता है। ये बातें छोड़ दीजिए, अब 5 एलिमेंट क्रिएशन और कंट्रोल साइकिल देखिए कि हमारा यहाँ किडनी विषय है। किडनी का जो नेक्स्ट है ये लीवर और गॉल ब्लैडर है, किडनी का एलिमेंट है
किडनी का एलिमेंट है वाटर और इसकी एनर्जी है कोल्डनेस. लिवर गॉल ब्लैडर की है वुड और इसकी एनर्जी है विंड. तीसरा फायर, फायर एलिमेंट है हीट एनर्जी है ऑर्गन है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन. और चौथा जो है स्प्लीन और स्टमक, इसकी एलिमेंट है अर्थ एनर्जी है इम्यूनिटी. और लास्ट है लंग्स, जिसको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी का एलिमेंट मेटल है और एनर्जी जो है इसकी ड्राइनेस है. अब आप देखिए कि एरो देखिए, मेरा पहला केस एक यंग लेडी मैरिड लेडी वेस्टर्न मेरठ से आई थी. पूरे आप सहज भाव में वो मेडिकल की जितने भी अपेक्स हॉस्पिटल थे वहां से ट्रांसप्लांट की बात कही गई थी और किसी को ये मालूम चला कि प्रयागराज में एक नया सेंटर खुला है. शुरू शुरू में तो ट्रेटाइज वन के हम लोग उस समय बनी नहीं थी. हमारा रिसर्च मॉड्यूल उसे तैयार करके हम लोग ने जिस किताब से लिया और उसको देख के, और हमने उनके डेट ऑफ बर्थ पूछी तो मई में बर्थ है. और आप सीएमए नियम देखेंगे तो मई जो है उसका ग्रह स्वामी जो है स्टमक और स्प्लीन होता है. अब किडनी क्यों फेल की है, कंट्रोल किसके, आप देख लीजिए इस साइकिल से जरा दिखा दीजिए ये जी, लगा जूम करके जी. इस साइकिल ट्रांसपेरेंसी दिख रही है? हाँ सर. एक मिनट और लेंगे जी ट्रांसपेरेंसी ये साइकिल की जी दिख रही है सर. लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो ठीक ठीक ठीक. तो आप देखिए स्प्लीन और स्टमक का एरो कहाँ गया है, किडनी का. तो हमने ये महसूस किया कि किडनी और स्प्लीन के अगर हम ट्रीटमेंट करें तो यूवी और किडनी का अपने आप हो जाएगा. तो ये हमने जो बैलेंसिंग वाले चार्ट हैं इनको यूज किया, किडनी का भी किया और स्प्लीन का भी. आप देखिए किडनी के बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा स्प्लीन के पॉइंट है और वो पेशेंट मतलब उसे ना तो डायलिसिस आगे करानी पड़ी और ना ही ट्रांसप्लांट कराना पड़ा. वो पहला केस था. ये केस मैंने आपने इसलिए बताया कि आज से आप ये प्रयास ये मत सोचिए कि किडनी के फेल्योर चाहे ERF हो चाहे CKD बहुत गंभीर है, आप कुछ नहीं कर सकते. परमात्मा की शक्ति आप में है, आप परमात्मा है. वो हम किसी दिन आपसे ही बात चर्चा करेंगे. हमारी रिसर्च उन्होंने ये स्वीकार किया है और वो भी हम आपके सामने रखेंगे. और आयुर्वेदिक विजन में राइट थंब में कोई भी ट्रीटमेंट आप करेंगे और उसका सेकेंड और थर्ड ओरिजिन जो है बहुत स्मॉल फिंगर है. अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो राइट थंब और बहुत स्मॉल फिंगर के सारे ज्वाइंट पे मेथी बांध के कहिए जाइए, आपकी ईश्वर ने चाहा तो किडनी ठीक हो जाएगी. ये मत पूछे कितने दिन में. डायलिसिस ठीक होगी ये मत पूछे कितने दिन में. और CKD और ERF कंट्रोल होगी ये मत पूछे कितने दिन में. बस इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं. और मैं समझ रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं. आपका फीडबैक ये बताएगा कि आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं. और ये जो बात है ये आपके गले पड़ रही है कि नहीं, ये मेरा आपसे निवेदन है. आप इसको घर घर तक पहुंचाएं इस आंदोलन को. केमका जी का एक सपना था कि रीच वन टीच वन और ट्रीट वन. ऐसे गंभीर पेशेंट जो चारों तरफ से किडनी के निराश हो चुके हैं वो आप इन छोटे से थोड़े से बिंदुओं का इस्तेमाल जरूर करें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत क्लास के लिए और अद्भुत ज्ञानवर्धन के लिए. आप सभी ने देखा कि किस तरह से किडनी फेल्योर से संबंधित
क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और क्या उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट, वह भी सर ने बताया। आप सभी उसको अप्लाई करेंगे और आज एक 5 मिनट और लेंगे आपका कि नेचुरो मेडिसिन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बुधवार की क्लास अग्रवाल सर ले रहे हैं लगभग नियमित रूप से, इसी तरह से इस क्लास के बाद 5 से 7 मिनट में तो हमारे संस्थान के एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट्स उनका उपयोग भी आपको अभी बताते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए कि अभी 27 और 28 मार्च को डायग्नोसिस लेवल 3 यह ट्रेनिंग होने जा रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, आंखों से संबंधित ऐसी ऐसी बीमारियों का उपचार जो आपने पहले देखा और सुना नहीं होगा, इन सब बीमारियों का इसके अतिरिक्त अन्य विषयों को भी कवर करते हुए यह 27 मार्च को यह ट्रेनिंग होगी प्रयागराज संस्थान के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर। 26 मार्च सन 1995 को प्रयागराज संस्थान की स्थापना हुई थी और 26 मार्च 2021 को पूर्ण हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में रीजनल डायग्नोसिस लेवल 3 या 27, 27 और 28 शनिवार रविवार को यह ट्रेनिंग आयोजित होगी। आप सभी को उसकी सूचना पहले से दी जा चुकी है, ₹1000 उसकी फीस है। आप सभी जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें उसका रजिस्ट्रेशन कल शाम तक अवश्य करा लें ताकि उसकी व्यवस्था की जा सके। आप में से ज्यादातर लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे और 10 और 11 अप्रैल को हर महीने जिस तरह से बेसिक ट्रेनिंग होती है इस एक्यूप्रेशर को घर घर तक पहुंचाने के लिए सरलतम रूप में, तो 10 और 11 अप्रैल को बेसिक ट्रेनिंग आयोजित होगी। उसकी फी 500 होती है और उसमें भी स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और इसके साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि उस समय आप व्यस्त हैं कहीं क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है ताकि आप बाद में भी सुविधाजनक समय में सुन सकें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है टाइमिंग की, अगर आप वर्किंग हैं तो भी कर सकते हैं। और इसी तरह से कैंपस कोर्स फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस लगातार प्रयागराज संस्थान द्वारा इस लॉकडाउन मोड में भी चल रही है, 400 घंटे का कोर्स संस्थान पढ़ा रहा है और दोनों बैच में स्टूडेंट नियमित रूप से सोमवार से शुक्रवार उसकी क्लासेस प्रतिदिन करीब 4-4.5 घंटे वह चल रही है। और इसी तरह से डिस्टेंट लर्निंग कोर्स जो करेस्पॉन्डेंस कोर्स है और उसमें करीब एक सेशन में 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं, 3 अप्रैल से उसकी क्लासेस चल रही है। आप में से ज्यादातर लोग उससे जुड़े हैं, जो लोग जुड़ना चाहें अभी भी आपके शहर में जो कोऑर्डिनेटर हों उनसे संपर्क करके, अन्यथा नहीं है तो प्रयागराज संस्थान से सीधे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। 3 अप्रैल से शनिवार रविवार यह क्लास चलेगी और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगी अलग अलग, और इस तरह से 5 शनिवार रविवार यह क्लास चलेगी और इसमें पूरा कोर्स करीब 40 घंटे में आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल थ्योरी और जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से प्रैक्टिकल भी इसमें दिया जाएगा और संस्थान के द्वारा इसके लेक्चर्स होंगे, जो संस्थान के द्वारा 20 नेशनल चैनल के द्वारा जो लेक्चरर हैं प्रोफेसर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे और आप घर बैठे एक्यूप्रेशर बिना कहीं गए ऑनलाइन मोड से यह क्लास आप कर पाएंगे। और उसके बाद जून मिडल में इसकी एग्जाम होगी और उसके बाद संस्थान आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी और नेचुरो मेडिसिन के रूप में यह आपने देखा होगा, यह हैंड रोलर या करेला के शेप में है, इसको आम भाषा में करेला भी कहते हैं, जो अभी आदरणीय अग्रवाल सर किडनी के विषय में पढ़ा रहे थे, तो इस तरह से आप रोल करके एक्टिवेट कर सकते हैं दोनों साइड्स में। आप देख रहे हैं इस तरह से जब भी बैठे रहे सुबह शाम 2-2 मिनट एक्टिवेट करें, प्रेशर दें, रोल करें तो किडनी एक्टिवेट होगी दोनों साइड्स में। यहाँ पे सामने की तरफ इस भाग में आज के समय आप देख रहे हैं कोविड इन्फेक्शन
ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और लंग्स पे ही उसका असर सबसे ज्यादा होता है, तो इस भाग में आप करें दोनों हाथों में, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे और जिनको है इन्फेक्शन वे तो अवश्य ही करें। और स्वस्थ और इसके अतिरिक्त इसके नीचे उतर के और दोनों ही साइड्स में, इस भाग में और इस भाग में ये करें, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का फॉर्मेशन यह अच्छा होगा। तो लीवर, किडनी और लंग्स यह सब ब्लड के फॉर्मेशन में, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। और इन जनरल ये तो ऑब्जेक्टिव प्रेशर हो गया इन पे, और इन जनरल इस तरह से आप पूरे हथेली में 2 मिनट से 5 मिनट इसको अवश्य रोल करें सुबह शाम। इसके बाद एक थंब पैड है छोटा सा, ये देखिए थंब पैड, इन उंगलियों में सभी फैलेंजेज में आप इससे प्रेशर दें, सभी फैलेंजेज में, जो पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं या MND के पेशेंट्स हैं, तो ये सारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व एंडिंग्स यह आती है ये लास्ट तक उंगलियों के छोर तक, तो इनमें आप प्रेशर देंगे तो नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होगा और सारे ऑर्गन्स, आप प्लॉटिंग देखते हैं, सारे ऑर्गन्स की प्लॉटिंग इन फैलेंजेस पे, इन जॉइंट्स पे है। तो इस तरह से सभी उंगलियों में और बाकी ये पूरे हथेली में भी इससे इस तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं, 2 मिनट से 5 मिनट समय पर्याप्त सुबह शाम। तो ये दो नेचुरल मेडिसिन का उपयोग पढ़े, इस तरह से करीब 40 से 50 एक्यूप्रेशर के नेचुरल मेडिसिन, एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट प्रयागराज संस्थान के द्वारा उपलब्ध है, और आगे आने वाली क्लासेज में आपको इस तरह से दो दो तीन तीन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग बताया जाएगा और आप उसको सीखें, उपयोग करें। आप सभी इस बुधवार की क्लास में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। आप सभी को नमस्कार और आप सभी को होली की शुभकामनाएं।